टीचर्स न्यूज नाउ यूट्यूब चैनल पर मैं अमलेंद्र कुमार आप सभी शिक्षा का बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज समान काम समान वेतन की सुनवाई 11:31 पर शुरू हुई। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से सर्विस मेटर तथा शिक्षा मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने शिक्षकों का पक्ष जोरदार तरीके से रखना शुरू किया है। उन्होंने जोरदार तरीके से कहा कि समान काम समान वेतन लागू नहीं करके बिहार सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 तथा आरटीई की धारा 7, 8 एवं 23 का उल्लंघन कर रही है। राज्य में संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था को जीवित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट शिक्षकों को समान काम समान वेतन बहाल करे। इससे पहले आपने देखा कि देश के टॉप 5 के अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम साहब ने बिहार सरकार के सभी पक्षों का जोरदार तरीके से जवाब दिया था। अब बस नियोजित शिक्षकों की जीत में औपचारिकता ही बाकी रह गई है। दोस्तों अभी अभी एक अन्य जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली रही है कि न्यूज 18 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षकों से संबंधित समान काम समान वेतन के केस को संविधान पीठ ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही इधर विजय हंसारिया जी का बहस समाप्त हो गया। अब माध्यमिक संघ के अधिवक्ता रंजीत कुमार ने अपनी बहस की शुरुआत की है। इसके बाद विभा दत्ता मखीजा संजय हेगड़े टेट शिक्षकों का पक्ष रखेंगे। सलमान खुर्शीद कोर्ट रूम में प्रवेश कर गए हैं। वे जल्द ही नियोजित शिक्षकों का पक्ष रखने की शुरुआत करेंगे। जज महोदय हमारे वकीलों को बहुत ही कम समय दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप लोग एक ही बात को रिप मत कीजिए। जो बातें कोर्ट में आ गई है उसे दोबारा तिवारा ना लाया जाए। जिस बात से कोर्ट अनभिज्ञ है केवल उसी बात को कोर्ट में रखी जाए। आज बहस पूरी होने की उम्मीद है। बहस अभी जारी है। समान काम समान वेतन से जुड़े लाइव अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल टीचर्स न्यूज नाउ के साथ बने रहे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।